नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ मूंगफली की बर्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में वो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मिठाई तो आपने कई बार बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन एक बार मूंगफली की इस तरीके से बर्फी बना करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस बर्फी को मैंने किस तरीके से बनाया है तो आइए देख लेते तो हैं। सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन करेंगे तेज फ्लेम में। और अब इसमें हम डाल देंगे मूंगफली। तो ये हमने एक कटोरी भर के मूंगफली ली है, तो ये ग्राम में ये 200 ग्राम होगी। इसे हम डाल देते हैं और इसे हम भून लेंगे। तो ये देखिए हमारी मूंगफली अच्छी तरीके से भुन गई है। हमको इसको इतना ही भूनना है, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस इतना भूनना है कि इसके छिलके अच्छी तरीके से उतर जाएं। तो ये देखिए अभी भी कढ़ाई हमारी गर्म है, तो इसलिए हम इसे इस तरीके से थोड़ा सा और चला लेंगे। और अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए, और इसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। तो ये देखिए हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है और इसे इस तरीके से हाथों से अच्छे से मसल मसल के इसके छिलके उतार देंगे, या फिर आप चाहें तो कपड़े में इसको लेकर के मसल सकते हैं, या फिर इस तरीके से हाथों से। अभी थोड़ा सा गर्म है और इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये देखिए मूंगफली का सारा छिलका उतर गया है और अब हम इसे पीसेंगे। तो उसके लिए हमें लेना है एक मिक्सी का जार, और उसमें हम डाल देंगे मूंगफली। और अब इसे हम ढक्कन लगा करके और पीस लेंगे। तो इसे डायरेक्ट एकदम पीसते नहीं रहना है, इसे बीच बीच में रोक रोक करके और इसे पीसना है। तो 5-6 बार हम मिक्सी को चलाएंगे रोक रोक करके, और अगर आप एकदम से पीसेंगे तो ये तेल छोड़ देगा और हमारी मूंगफली जो है वो गीली हो जाएगी। तो ये देखिए मूंगफली इस तरीके से पीस गई है, बिल्कुल बारीक पीसा है इसको। और अब हम इसमें इसको हमने रोक रोक करके पीसा है, और अब इसमें हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो इसे भी हम इसी में मिक्स करके और पीस लेंगे। तो हम एक कटोरी मिल्क पाउडर ले रहे हैं, तो इसे चम्मच से इस तरीके से थोड़ा सा हम चला लेंगे और इसके बाद हम इसे भी पीस लेंगे। तो खोल करके चेक करेंगे तो ये देखिए मिल्क पाउडर और मूंगफली दोनों अच्छी तरीके से पीस गई है। तो हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और गैस को हम चालू कर देंगे, और इसमें हम डाल देंगे दूध। तो ये हम अभी 1 गिलास दूध डाल रहे हैं, और ये 1 गिलास दूध हम और डालेंगे इसमें, और इसे अच्छे से हम पका लेंगे चला चला करके। और ये मूंगफली के छिलके इसमें रह गए थे तो इसको हम हटा देते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए दूध को हमारे पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, और इसे हमने छान लिया था क्योंकि इसमें काले काले से वो हो रहे थे मूंगफली के छिलके, तो उसको हमने इस तरीके से छान लिया था। और इसके बाद हमने इसे 2-3 मिनट तक इसी तरीके से चलाया है। और अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लीजिएगा, लेकिन हम इसमें आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं चीनी, और थोड़ी सी हमने अभी बचा ली है। तो दूध को पकाते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं और तेज फ्लेम में हमने इसे पकाया है ताकि दूध हमारा थोड़ा सा कम हो जाए। तो अब हम गैस को थोड़ा सा धीरे कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे ये पाउडर। तो इसे हम इस तरीके से पूरा डाल देंगे इसमें और इस तरीके से अच्छे से चला लेंगे। तो इसे इस तरीके से अच्छे से चला करके ये जो गुठलियाँ बन रही हैं तो इन्हें हम अच्छे से खोल लेंगे इस तरीके से चला चला करके। गैस को हमने मध्य रख दिया है। इससे पहले मैं मूंगफली का हलवा बना चुकी हूँ, तो उसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी इस बर्फी को भी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके का हो गया है, बिल्कुल जमने के कगार में हो गया है कि ये बिल्कुल जम जाएगा। अब तो हम इसको निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए एक हमने थाली ली है और इसमें हम ये रख देंगे बटर पेपर, और उसमें डाल देंगे अपना मटेरियल। तो अगर आप चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं, लेकिन हम इसी तरीके से इसे बनाएंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे, और ये अभी गर्म है तो इसे हम इस तरीके से रख लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हो गया है, यानी कि हाथ में छूने लायक हो गया है।
तो इसे हम इस तरीके से इसमें फैला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा बेलन चला देंगे, बहुत ही हल्के हाथों से। इस तरह से गार्निश कर दीजिए। तो ये हम इस तरीके से पिस्ते को डाल दिए हैं और थोड़ा सा हाथों से इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि इस जो पिस्ता है तो अच्छी तरीके से इसमें इस तरीके से चिपक जाए। थोड़ा सा इसमें हम इस तरीके से बेलन को चला देंगे। तो ये देखिए अब इसे हम रख देते हैं आधा घंटा के लिए ठंडा होने के लिए और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसे हमने आधा घंटा रेस्ट करवाया है तो ये अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब इसको हम काट लेते हैं। तो पहले इधर का और इधर का पार्ट काट देते हैं, हम अलग कर देंगे। अब इस तरीके से इसको हम काटेंगे। तो ये देखिए सारे पीसेस मर कट गए हैं। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसको काट लिया है और हमारी बर्फी बनकर के तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मूंगफली की बर्फी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में एक छोटी सी घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।